Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. Dr. Ashok Agarwal, Akhil Bharatiya Grahak Panchayat ka Prantiya Upadhyaksh. Aaj hum log Akhil Bharatiya Grahak Panchayat ke banner tale Agra ke commissioner ko ek gyapan dene aaye hain. उस ज्ञापन में बिजली के मामले में जो प्रदेश ने बिजली नियामक आयोग ने जो अनाप शनाप जो पैसा बढ़ाया है, इससे पूरे प्रदेश की जनता त्राहिताहि मचा रही है। इस कदर रेट बढ़ाने के बाद में बिजली का बिल जस्ट दूना होने वाला है। जब एक आम गृहस्थी का बिल जो 500 का आता था वो 1000 का देना पड़ेगा, उसका सारा बैलेंस बिगड़ने वाला है। उसकी जो इनकम है उसके इनकम को वह कितना जबरदस्त असर पड़ेगा, इस बात की नियामक आयोग ने बिल्कुल नहीं सोचा। पिछले कई वर्षों से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग में सफल हो गए। वो हमारा घोर विरोध है इस बात के लिए कि वो तुरंत वापस लिया जाए। ये जो उन्होंने अंधेरगर्दी की है, इस अंधेरगर्दी को वापस लिया, तुरंत वापस लिया हमारा। अगर आज वापस नहीं लिया जाता तो ग्राम पंचायत इस मामले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। देश की 25 करोड़ जनता पिछले 15 दिन से, जब से ये एक बिजली आयोग का एक आदेश पारित हुआ है इस प्रदेश में कि देहात गांव में 60% बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी और शहर में 15% बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी, तो पिछले 10 वर्षों से आगरा शहर या उत्तर प्रदेश के जहां जहां पर टोरंटो लगी हुई है, जहां जहां पर बिजली की ऐसी प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, वहां तो बहुत बुरा हाल है। वहां तो आदमी के आय से भी ज्यादा बिजली के बिल आने लग गए हैं। तो ये एक ऐसी समस्या हो गई है कि हर आदमी के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई वैसी चरम सीमा पर है और महंगाई इतने चरम सीमा पर है कि आप किसी भी वस्तु को ले लो, आज की डेट के अंदर सब्जियों की दरें कहां से कहां पहुंच गई, दाल, आम चीजें, टमाटर, प्याज रोज सुनते होंगे, लेकिन चलिए यहां तक भी झेल रहा है व्यक्ति। लेकिन बिजली, अब बिजली पर अगर 60% महंगाई ग्रामों में बढ़ जाएगी, देहातों में बढ़ जाएगी, तो किसान खेती कैसे करेगा, फसल कैसे करेगा, चीजें कैसे आएंगी? तो ये सारी चीजें दूध से लेकर, हर चीज से लेकर, सब्जी से लेकर, हर चीज पर महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो ग्राहक पंचायत की आज एक यहाँ हमारी प्रांतीय पदाधिकारीगण ने एक यहाँ प्रशासन कमिश्नर, अपर कमिश्नर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि बिजली की दरों पर तुरंत, अगर इस पर बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई और इस पर लगाम नहीं लगाया गया, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो ग्राहक पंचायत का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर इस बात के लिए निवेदन करेगा कि इन दरों को तत्काल रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता राहत ले सके। बीके अग्रवाल, प्रांत संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। आज उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरें इतनी अधिक बढ़ा दी हैं जिससे महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि गांव देहात में ये बिल इतने बढ़ गए हैं, 60% 65% जब बिजली अधिक महंगी मिलेगी तो उस महंगी बिजली से उत्पादन होगा तो उत्पादन की दरें ही बढ़ेंगी और ग्राहकों को वो सामान भी अधिक रेट पर मिलेगा। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है और ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि इस महंगाई को रोकने के लिए बिजली के जो रेट बढ़ाए गए हैं उनको आप वापस लें, यही हम कहना चाहते हैं।